गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें हम पढ़ रहे हैं एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में अब तक हम पढ़ चुके हैं एसिड क्लोराइड्स, एसिड अमाइड्स, एस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑल दिस एसिड डेरिवेटिव्स। आज हम पढ़ रहे हैं लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, एंड दैट इज यूरिया। यूरिया इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिक एसिड। यूरिया एक कार्बोनिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। कार्बोनिक एसिड इज ए अनस्टेबल एसिड, देखो, क्योंकि दो OH ग्रुप एक ही लगे हुए हैं। अमोनिया से रिएक्शन करते ही एक ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा अमोनिया से, तो बन जाता है कार्बामिक एसिड। और अगर फिर अमोनिया से रिएक्शन हो इसकी, तो दोनों OH ग्रुप रिप्लेस जब हो जाएंगे इसके NH2 से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिया। तो यूरिया का फार्मूला सबको आता है, यूरिया इज यूज एज ए फर्टिलाइजर। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने यूरिया का नाम नहीं सुना हो। यूरिया का फार्मूलेशन सबको पता है। पहला क्वेश्चन यूरिया का, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूरिया का बनता है, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ यूरिया। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ यूरिया। अब देखो यूरिया क्या चीज़ है, H2N C डबल बॉन्ड O NH2। अमाइड है, अमाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, HCONH2 फॉर्मामाइड, मिथेनामाइड। इसका एक H हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एमिनो ग्रुप से। एक H किससे रिप्लेस कर दिया हमने, एमिनो ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। तो एमिनो, इसको क्या बोलते थे, मिथेनामाइड। मिथेनामाइड का H रिप्लेस किया एमिनो ग्रुप से, नोट कर लीजिए नाम क्या बन गया, एमिनो मिथेनामाइड, एमिनो मिथेनामाइड, राइट। अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं, इसके बाद प्रेपरेशन ऑफ यूरिया। प्रेपरेशन ऑफ यूरिया को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। लेकिन उसके अलावा देखो एक जनरल जो मेथड है जिसको बनाया जाता है, उसे लिख दो फ्रॉम यूरिन। एक्चुअली क्या होता है, यूरिन को हम कंसेंट्रेट करें, तो यूरिन को कंसेंट्रेट करने पर यूरिया नाइट्रेट के सॉल्ट मिलते हैं हमारे को। क्या मिलते हैं, यूरिया नाइट्रेट के सॉल्ट, H2NCONH2.HNO3। इस टाइप के हमारे को क्रिस्टल्स मिलते हैं, नाइट्रिक एसिड सॉल्ट्स, यूरिन नाइट्रेट। और इसका रिएक्शन अगर हम बेरियम कार्बोनेट से करें, इसको डिकम्पोज होकर हमें क्या मिल जाता है, यूरिया, दैट इज H2NCONH2 बेरियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस मेथड में क्या करना होता है, हमें यूरिया को पहले यूरिन को पहले कंसेंट्रेट करना होता है, जो यूरिन है। कंसेंट्रेट करने के बाद उसके जो नाइट्रेट्स बन जाते हैं क्रिस्टल्स, उसको बेरियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर हमें यूरिया प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड लिखिए, नंबर टू मेथड को हम ऐसे लिखते हैं, लेबोरेटरी मेथड, यानी लैब में किस किस मेथड से हम इसको बना सकते हैं। तो लैब में बनाने के लिए नंबर वन मेथड सबने सुना होगा आपने, फ्रॉम पोटाशियम नेट। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करते हैं पढ़ने, तो आपको बताया जाता है कि वोलर सिंथेसिस क्या था, अमोनियम साइनेट से यूरिया बनना। तो पोटाशियम साइनेट से हम क्या बनाते हैं, पहले स्टेप में अमोनियम साइनेट बनाते हैं। पोटाशियम साइनेट से अमोनियम साइनेट बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो ये हमारा पोटाशियम साइनेट, और पोटाशियम साइनेट की रिएक्शन करते हैं हम अमोनियम सल्फेट से। जब पोटाशियम साइनेट की रिएक्शन अमोनियम सल्फेट से की जाती है, तो हमें क्या मिलता है, अमोनियम साइनेट। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इज अमोनियम साइनेट बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। एक्चुअली ये चीज़ है अमोनियम साइनेट, हमने लिखा है पोटाशियम साइनेट से, लेकिन हमें बनाते हैं यूरिया किससे, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर कुछ भी रिएक्शन नहीं लिखनी, इट अंडरगोज रीअरेंजमेंट। जब भी ऑर्गेनिक पढ़ानी स्टार्ट किया तो बताया जाता है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था, अमोनियम साइनेट बना था, ठीक है। अमोनियम साइनेट रीअरेंज करके बनाते हैं H2NCONH2, इट फॉर्म्स यूरिया, राइट।
और लेबोरेटरी से बनाने का अगर और दूसरा मेथड देखें तो फ्रॉम अमोनिया। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी रिएक्शन हम अमोनिया से करा के क्या बना सकते हैं, यूरिया बना सकते हैं। इसीलिए इन कंपाउंड्स का जो इन मेथड्स का नाम जो है हम क्या दे सकते हैं, अमोनिकल मेथड। इन मेथड को हम क्या नाम दे सकते हैं, अमोनिकल मेथड में देखो हम क्या करते हैं, अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं। जैसे हमने कार्बोनाइल क्लोराइड की, इथाइल कार्बोनेट की, इथाइल यूरीथेन की, इन सब की रिएक्शन किससे कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं। उससे क्या मिलता है हमें, यूरिया। फॉर एग्जांपल देखो COCl2, COCl2 क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड। और कार्बोनाइल क्लोराइड आपने पढ़ा है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉस्जीन। अब फॉस्जीन की रिएक्शन हम अमोनिया से कराएं तो देखो क्या होगा, दिस Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2 Cl2, तो माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 2HCl, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा NH2 और यहाँ आ जाएगा NH2। यूरिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनाइल क्लोराइड। तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए फॉस्जीन की रिएक्शन, व्हाट हैपन, फॉस्जीन इज ट्रीटेड विद अमोनिया, तो आपको यूरिया इज फॉर्म्ड। इसी प्रकार देखो एक इसी ऐसा ही डेरिवेटिव लिया हमने, इसे बोलते हैं इथाइल यूरीथेन। इसके रिएक्शन भी हम अमोनिया से कराएंगे, देखिए तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर इथॉक्सी ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय अमोनिया, तो -C2H5OH हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सेम O डबल बॉन्ड CNH2NH2, दैट इज यूरिया इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसी प्रकार देखो इथाइल कार्बोनेट हम ले लें, व्हाट इज दिस कार्बोनेट, इथाइल कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन भी अमोनिया से करें, तो अगेन C2H5OH माइनस हो जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे NH2 हो जाएगा, तो -2C2H5OH, दो अमोनिया लिख लीजिए बैलेंस की कोई, एंड प्रोडक्ट फॉर्म विल बी यूरिया एंड यूरिया। ये हमारे पास मेथड हो गया, कौन से, लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ यूरिया। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बोनाइल क्लोराइड विद इथाइल यूरिथेन विद इथाइल कार्बोनेट। ओके, अब थर्ड मेथड लेते हैं ये बनाने का, फ्रॉम इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ यूरिया। इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ यूरिया, इंडस्ट्रियल मेथड में देखो नंबर वन मेथड तो क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अमोनिया से हाई प्रेशर पे की जाती है। हाई प्रेशर पे जब करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट प्रोडक्ट बनता है। पहले प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट, और अमोनियम कार्बोनेट को फर्दर हाई प्रेशर पर जब गर्म करते हैं तो व्हाट इज प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म इन देन यूरिया, यूरिया इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो यू कैन से अमोनियम कार्बामेट से यूरिया बनता है इन द इंडस्ट्री। दूसरा जो मेन मेथड है इंडस्ट्री में बनाने का, इसको दैट इज फ्रॉम साइनामाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में यूरिया बन रहा है वो किससे बन रहा है, फ्रॉम साइनामाइड। साइनामाइड देखो क्या होता है, H2NCN, इसको क्या बोलते हैं, साइनामाइड। साइनामाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है, साइनामाइड का क्या करते हैं, पार्शियल आंशिक जल अपघटन। तो इनका आंशिक जल अपघटन करने पर प्रोडक्ट क्या बनता है, यूरिया। तो मेन मेथड जो यूरिया को इंडस्ट्री में बनाने का है वो किससे है, फ्रॉम साइनामाइट से बनाने का है। ओके, अब जहाँ तक प्रॉपर्टीज की बात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप सबने देखा होगा यूरिया, आपके जो प्रैक्टिकल सेकेंडरी की प्रैक्टिकल है उसके अंदर आपको यूरिया एज ए कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है टेस्टिंग में, राइट। उसका टेस्ट अभी बताऊंगा, बाय यूरिक टेस्ट क्या होता है। तो यूरिया कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में
पूर्ण रूप से घुल जाता है और मेल्टिंग पॉइंट, वैसे मेल्टिंग पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यूरिया आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में है दिया जाता है आपको कंपाउंड, याद होना चाहिए सबको, 132 डिग्री सेल्सियस यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 132 डिग्री सेल्सियस। चलो अब हम देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ यूरिया। यूरिया की काफ़ी रिएक्शंस होती हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिन पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं वो मैं कराता हूँ आपको। हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शंस ऑफ यूरिया। अवर नेक्स्ट हेडिंग विल बी रिएक्शंस ऑफ यूरिया। रिएक्शंस ऑफ यूरिया में नंबर वन देखो, रिएक्शन लिखो आप नंबर वन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिया बेसिक है, यूरिया तो इट इज सॉल्ट फॉर्मेशन, क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन। जो भी बेसिक होगा वो एसिड से रिएक्शन करे क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। यूरिया विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और उनसे क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। जैसे और एक चीज़ ध्यान रखने, देखो अमाइड ग्रुप है इसके अंदर भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इट इज़ मोर बेसिक देन, नोट कर लो इस पॉइंट को, इट इज मोर बेसिक देन अमाइड्स। अमाइड्स से क्या होता है, ज़्यादा बेसिक होता है। तो यूरिया, अब यूरिया लिया हमने और यूरिया की रिएक्शन किससे कराया, नाइट्रिक एसिड से, तो क्या बन जाएगा, यूरिया नाइट्रेट बन जाएगा। यूरिया नाइट्रेट का मतलब आपको ऐसे लिखना है, सेवल H2NCONH2 और डॉट लगा दे, डॉट लगा के आप क्या लिखना है, HNO3, इट विल बी यूरिया नाइट्रेट। सिमिलरली यूरिया की रिएक्शन हम ऑक्सैलिक एसिड से करें, ऑक्सैलिक एसिड को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, H2CO4, तो इससे क्या बन जाएगा, H2NCONH2 और फिर ऑक्सैलिक एसिड कैसे लिख देंगे, H2C2O4, इसका नाम क्या हो जाएगा, यूरिया ऑक्सैलेट, इट विल बी यूरिया ऑक्सैलेट। नंबर टू रिएक्शन देखो इसकी, नंबर टू रिएक्शन लिखते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। यूरिया का हाइड्रोलिसिस देखो हम न्यूट्रल मीडियम में कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में कर सकते हैं और एल्कलाइन मीडियम में भी कर सकते हैं, ओके। तो यूरिया का हाइड्रोलिसिस में तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ, न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, अमोनियम कार्बोनेट। जैसे रिएक्शन लिखिए आप, H2NCONH2 हाइड्रोलिसिस इन न्यूट्रल मीडियम, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी अमोनियम कार्बोनेट। लेकिन इसी यूरिया का हाइड्रोलिसिस, नंबर डाल देता नंबर टू, हम एसिडिक मीडियम में अगर करें, एसिडिक मीडियम का मतलब हमने हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी अमोनियम क्लोराइड एंड दिस। और यही यूरिया का हाइड्रोलिसिस अगर हम एल्कलाइन मीडियम में कर दें, क्षारीय माध्यम में करें, तो रिएक्शन हम कराएंगे उस केस में देखो क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो हाइड्रोलिसिस में ध्यान रखिए हमेशा, हाइड्रोलिसिस जो है यूरिया का तीन पार्ट में हम कर सकते हैं, न्यूट्रल मीडियम में प्रोडक्ट बनता है क्या, अमोनियम कार्बोनेट, इन एसिडिक मीडियम प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अमोनियम क्लोराइड एंड इन एल्कलाइन मीडियम प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद थर्ड रिएक्शन देखो, मार्क करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, जब भी यूरिया की कोई रिएक्शन पूछे तो रिएक्शन बहुत पूछते हैं, रिएक्शन विद HNO2, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। अभी रिएक्शन मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा एमिनो ग्रुप की रिएक्शन है, कल भी मैंने बताया था अमाइड से, कितनी बार आप बता चुका हूँ कि जब भी नाइट्रस एसिड से HNO2 की रिएक्शन कराते हैं तो NH2 जो होता है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय OH, NH2 किससे रिप्लेस हो जाता है, OH से। इसको लिखने का थोड़ा तरीका देखिए, H2NCONH2, इसकी रिएक्शन करानी हमें नाइट्रस एसिड से,
जब भी मैंने नाइट्रस एसिड रिएक्शन बताई तो आपको बताया इसको कैसे लिखना चाहिए हमें ब्रेकअप करके, ऐसे नाइट्रस एसिड की जगह हम लेते क्या है हमेशा सोडियम नाइट्राइट और HCl। अब नाइट्रस एसिड की रिएक्शन जब इससे कराएंगे तो क्या होगा, देखो HON डबल बॉन्ड हो, जब भी आपको अमीनो ग्रुप की रिएक्शन, भाई मैंने ऐसे बताया एक प्रोडक्ट क्या निकल गया नाइट्रोजन, दूसरा हो गया बाई प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा OH। इसी प्रकार यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल ले तो दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखेंगे ओ डबल बॉन्ड एन एच, तो ये भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल गया वाटर और OH, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया OH सी डबल बॉन्ड ओ OH प्लस टू नाइट्रोजन प्लस टू वाटर, व्हाट इज दिस, ये चीज क्या बन गई H2CO3, दैट इज अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड, क्या बन जाएगा अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड इज द फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्शन ऑफ हाउ डज यूरिया रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो यूरिया का रिएक्शन विद हाइड्राजीन, हाइड्रोजीन सी रिएक्शंस आपने लिखी थी कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो वहाँ एक रिएक्शन लिखी थी रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइट, तो यूरिया जो है हाइड्रोजीन सी रिएक्शन करके क्या बनाता है सेमी कार्बाजाइट, इसलिए मैंने यहाँ बोला तो यूरिया, यूरिया इज अवर H2N सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसके रिएक्शन जब हमने हाइड्रोजीन से कराया तो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो वन ऑफ दिस एच इज रिप्लेस्ड बाय अमोनिया ग्रुप, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर H2N CO NH NH2 प्लस अमोनिया, ये जो प्रोडक्ट बन गया ये प्रोडक्ट कौन सा होता है सेमी कार्बाजाइट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सेमी कार्बाजाइट, कार्बोनाइल कंपाउंड में रिएक्शन किया आपने, हाउ डज एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइट, कैसे रिएक्शन करते हैं, तो याद है ना आपको क्या बनता है सेमी कार्बाजाइट से जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है सेमी कार्बाजोन, क्या प्रोडक्ट बनता है सेमी कार्बाजोन। ओके नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूँ आपको एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन का मतलब आपको मालूम है, एसिटाइलेशन का मतलब क्या होगा, एक एच रिप्लेस हो जाए किससे एसिटाइल ग्रुप से, एक एच रिप्लेस होगा किससे एसिटाइल ग्रुप से, और इसको समझने के लिए मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, और एसिटाइलेशन के लिए रीजेंट अपन कितनी बार बात करते हैं एसिटाइल क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया वन ऑफ द एच इज रिप्लेस्ड बाय एसिटाइल ग्रुप, ये ग्रुप पूरा कौन सा हो गया एसिटाइल ग्रुप, तो प्रोडक्ट फॉर्म इज एसिटाइल यूरिया H2N C double bond O NH CO CH3, वॉट इज दिस कॉल्ड एसिटाइल यूरिया, प्रोडक्ट क्या बोलेंगे इसको एसिटाइल यूरिया। ओके नेक्स्ट रिएक्शन देखो रिएक्शन विद ऑक्सालिक एसिड, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सालिक एसिड, क्योंकि इससे प्रोडक्ट बनेगा एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा ऑक्सालाइल यूरिया, साइक्लिक कंपाउंड ऑक्सालाइल यूरिया इज फॉर्म्ड विद दिस, तो ऑक्सालिक एसिड से रिएक्शन कराएं यूरिया की, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ओ डबल बॉन्ड सी और यहां लिखते हैं NH HN, ऐसे लिखने से प्रोडक्ट लिखना बहुत इजी होगा हमारे लिए, और ऑक्सालिक एसिड होता है HOC डबल बॉन्ड O CO OH, ऑक्सालिक एसिड की रिएक्शन यूरिया से कराना है, तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा अपने प्रोडक्ट, तो इट विल बी दिस माइनस वाटर टू ग्रुप विल कंडेंस माइनस टू वाटर, और जो प्रोडक्ट बन गया देखो प्रोडक्ट क्या बन गया O डबल बॉन्ड C, यहाँ देख के लिखिए आप, और यहाँ क्या था NH 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 NH, और NH NH पे क्या आ गया C डबल बॉन्ड O एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सालाइल यूरिया, इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा ऑक्सालाइल यूरिया इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्या हो जाएगा इससे ऑक्सालाइल यूरिया इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद दिस, कंपाउंड क्या बन जाएगा इससे ऑक्सालाइल यूरिया। ओके ऑक्सालाइल यूरिया के बाद देखो इसी प्रकार की रिएक्शन और रिएक्शन हो सकती है,
इसी प्रकार की रिएक्शन इससे कैसे हो सकती है, यूरिया, बिल्कुल सेम अपने आप लिखेगा आप। इसकी रिएक्शन कराएं हम मैलोनिक एस्टर से, मैलोनिक एस्टर कई बार बताया एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं मैलोनिक एस्टर, तो मैलोनिक एस्टर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल सिमिलरली लिखेगा आप मैलोनाइल यूरिया। रिएक्शन छोड़ रहा हूँ मैं जानबूझ के कि यूरिया, बिल्कुल इसी प्रकार, बस ऑक्जालिक एसिड की जगह आप क्या लिखना है मैलोनिक एस्टर। और इस रिएक्शन को हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं, नॉर्मली डिहाइड्रेटिंग रीजन के रूप में क्या यूज़ कर लेते हैं, पी ओ सी एल थ्री। यहाँ भी हम डिहाइड्रेटिंग रीजन के रूप में क्या कर लेंगे, पी ओ सी एल थ्री। बस फर्क कितना आएगा, माइनस टू वाटर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस टू सी टू एच फाइव ओ एच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं बाई यूरिक टेस्ट। बाई यूरिक टेस्ट, यूरिया को नॉर्मली 132 डिग्री पे तो मेल्ट हो जाता है, आपको अभी मेल्टिंग पॉइंट बताया मैंने, लेकिन अगर हम इसको और ज़्यादा गर्म करें तो इसके दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे, और दो मॉलिक्यूल कंडेंस होकर क्या बना लेंगे, बाई यूरिट बना लेंगे, एच टू एन सी ओ एन एच टू, एच टू एन सी ओ एन एच टू। और दूसरा मॉलिक्यूल लिया इसका और इसकी पहचान ये होती है कि अमोनिया की स्मेल आएगी, अमोनिया इसमें एच टू एन और इसका एक एच, इसका एच टू एन और एक एच माइनस क्या हो जाएगा अमोनिया, दैट इज एच इज रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप, एच इस रिप्लेस से ग्रुप हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो एच टू एन सी ओ एन एच और एन एच की जगह एच रिप्लेस हो क्या हो जाएगा सी ओ एन एच टू, सी ओ एन एच टू। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बाई यूरेट, दो यूरिया मॉलिक्यूल से चीज़ बने, बाई यूरेट। अब टेस्ट करो बाई यूरेट जो होता है, बाई यूरेट में अगर हम कॉपर सल्फेट का ऐड करें सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट ऐड करें तो डार्क वायलेट गहरा बैंगनी रंग प्राप्त होता है, और गहरा बैंगनी रंग प्राप्त होना इज ए कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द यूरिया, कन्फर्मेड टेस्ट हो जाता है किसके लिए, यूरिया के लिए टेस्ट होता है। इसी प्रकार कुछ और रिएक्शन सिंपल रिएक्शन दिए, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो मिथाइलॉल यूरिया बन जाएगा, लिख देता हूँ जैसे एक रिएक्शन और, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरिया की रिएक्शन कराएं, यूरिया इज एच टू एन सी ओ एन एच टू, फॉर्मेल्डिहाइड होगा एच टू सी डबल बॉन्ड हो, व्हाट विल हैपन, एक एच हट के यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, सी एच टू ओ एच ग्रुप। तो इसको यहाँ प्रोडक्ट नीचे लिख रहा हूँ स्पेस अरेंज करने के लिए, सी ओ एन एच, एन एच क्या आ जाएगा सी एच टू ओ एच, इसे हम क्या बोलेंगे मिथाई लॉल यूरिया, मिथाइलॉल यूरिया इज द प्रोडक्ट फॉर्म। और सिमिलरली मिथाइलॉल यूरिया जो है एक और मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कर ले, ये एच भी किससे रिप्लेस हो जाएगा दिस, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा उससे, डाई मिथाइलॉल यूरिया इज द प्रोडक्ट। उसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल ये एच भी इसी प्रकार से किससे रिप्लेस हो जाएगा, सी एच टू ओ एच ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, ये हमारा किसके बारे में हो गया, एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में काम हो गया हमारा पूरा। ध्यान रखिए, देखो मैंने हर बार आपको बताया कि सारे वीडियोज़ आप एक ऑर्डर में देखिए, क्रम से देखो, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा सिलेबस आपको चैप्टर वन टू आपकी फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो रही है आज, है ना, और इसके बाद हम शुरू करेंगे फिफ्थ यूनिट। लेकिन इनका फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इन वीडियोस को बिल्कुल क्रम से देखेंगे और कॉपी और पेन लेके साथ बैठेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।